एक्स क्यूब माइनस दू एक्स प्लस एक्स है ना प्लस छ का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कर रहे हैं। हमारे वीडियो के साथ एकदम घूम घूम हुआ बनल रहिए और बढ़िया समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लेते हैं यहाँ पर बाई बराबर थोड़ा सा सजा करके लिख लेते हैं, यहाँ एफ एक्स बराबर ले लेते हैं हम कितना एक्स क्यू माइनस दू एक्स प्लस छ, ठीक ना, ले लिया, ठीक है। अब इसको नहीं हम और आगे बढ़ाते हैं कार्ड को, देखिए अब डी एक्स बटा डी बाई है ना डी बाई बटा डी एक्स करते हैं, कितना लेते हैं तो देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स है ना प्लस वन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हल कर देते हैं, अब देखिए कैसे कैसे होता है, तो थ्री एक्स स्क्वायर में रहे ना तो यहाँ थ्री एक्स लिख देते हैं और माइनस एक्स लिख देते हैं प्लस एक लिख देते हैं, ठीक है। देखिए एकदम देख रहे हैं ना, अब देखिए इसको हम हल और कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी तीन है, तो थ्री एक्स को निकाल देते हैं तो एक्स माइनस वन बच गया। अभी एन लिख देते हैं एक्स है ना माइनस का एक एन माइनस एक लिखा, ठीक है। फिर इसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन और एन हो गया एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसको हम नीचे लाते हैं तो थ्री एक्स बराबर है ना वन हो गया तो एक्स बराबर कितना हो गया एक बटा थ्री। उसी प्रकार से यहाँ एक्स है ना बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो अब इसको हम देखिए मान रख रख के हम अब अच्छी करते क्या करते हैं, अब समीकरण एक से क्या करते हैं एक्स बराबर वन है ना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब देखो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर ठीक है बराबर यहाँ छो एक्स माइनस चार लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ छो गुने एक कर दो और माइनस के चार कर दीजिए तो छो में से चार घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो जीरो से मान आएगा ना बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, तो जीरो से मान क्या है जीरो से मान ये यहाँ पर जीरो से जीरो है जो इसका समान जीरो का मान इससे अधिक है ना, तो आप शॉर्ट इसको ले लीजिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं साफ करूँगा इधर से साफ कर देता हूँ है ना। पुनः देखिए हम क्या करते हैं पुनः देखिए क्या करते हैं आगे देखिए, फिर जो फंक्शन दिया हुआ है था कितना कि एक्स क्यूब माइनस दू एक्स प्लस एक्स प्लस छ है ना, तो यहाँ एक लिख दीजिए मान इसको में क्यू कर दीजिए, फिर दू गुने एक बटा एक कर दीजिए, फिर प्लस एक कर दीजिए प्लस के छः कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक हो गया दू हो गया प्लस का एक हो गया प्लस का छः हो गया है ना,
तो छो दू आठ है ना, कितना आएगा आठ, माइनस कर दू तो देख रहे हैं यहाँ पर ही कि छो जो है जीरो से बड़ा है। ठीक है, पुनः देखिए अगर जो हम डी एक्स डी वाई और यहाँ डी एक्स स्क्वायर गुना लेते हैं, छो एक्स माइनस चार लेते हैं, यहाँ कितना मिलेगा तो छो गुने एक बटा तीन लेते हैं, यहाँ पर ही एक्स बराबर कितना लेना पड़ेगा एक बटा तीन, तो कितना हो गया माइनस के चार तीन दुना छ आ जाएगा दू माइनस के चौर है ना, तो माइनस दू होगा जिससे जीरो का मान बड़ा हो गया है ना। पुनः हम लेते हैं देखिए इधर बड़ा आप साफ कर रहे हैं ठीक है ना, क्या साफ कर रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया समझ रहे हैं है ना। अब देखिए एक बटा तीन एक्स बराबर लेते हैं और समीकरण कर लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस दू एक्स प्लस छः है ना। अब इसको हम मान रख देते हैं एक बटा तीन, इसको ऊपर क्यू कर देते हैं, फिर माइनस दू एक बटा तीन लिख देते हैं है ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फिर प्लस एक बटा तीन प्लस है ना, कितना को हल हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है अंत में आपको आता है जोड़ना के इसको एक बटा कितना है सत्ताईस माइनस को दो बटा तीन प्लस का एक बटा तीन है ना प्लस का छः। अब इतना को हम हल करते हैं तो हल आ जाता है आपको कितना आएगा, तो घटा बढ़ा करके आपको 166 है ना बटा के 27 प्लस के 6 है ना आ गया आपका मान। ठीक है, तो हम समझते हैं तारे कि आप बढ़िया से समझ रहे होंगे, यहीं पर मैं विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत।